मध्य प्रदेश में बढ़ती कोरोना महामारी के खिलाफ लॉकडाउन होने के साथ ही कई जिलों में कर्फ्यू लगाकर आम जनता से घरों में रहने की अपील की जा रही है। वहीं बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी में कोरोना महामारी को लेकर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, जिसके चलते आम जनता से घर में रहने की अपील की जा रही है। पुलिस की अपील का आम जनता पर खासा असर देखने को मिला है, जिसके चलते चौक चौराहों सहित सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं पुलिस ने सड़क पर फालतू घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। यहाँ पर किन किन व्यक्तियों को जाने की परमिशन है? यहाँ पे एमपीवी वाले कर्मचारी, डब्ल्यूसीएल कर्मचारी, नगर पालिका कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, ये लोग केवल आ जा पा रहे हैं। और इमरजेंसी कोई बीमार है वो अभी ऐसा, जैसे कुछ आवारा टाइप के तत्व घूमते हैं जो बगैर काम के घूमते हैं, तो उनके लिए आप क्या सख्ती कर रहे हैं? वो पूर्णतः पाबंदी है, आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें सख्ती से आना जाना रोक रहे हैं। ऐसी कोई गाइडलाइन मिली है आपको आपके उच्च अधिकारियों के माध्यम से? अपने विवेक से के अनुसार उनको जिस भी तरह के से सख्ती से रोकना पड़ रहा है तो सख्ती से रोक रहे हैं, प्यार से जो जा रहे हैं प्यार से। अच्छा, आप जहाँ पे खड़े हैं ये बगडोना चौक का 20 सेंटर है, यहाँ पे आइट साइड में बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र भी पड़ते हैं जी, तो कई ग्रामीण क्षेत्र भी आते हो, तो उन्हें भी आपको समझाने में थोड़ी दिक्कत जाती होगी? हाँ, थोड़ी वैसे प्राय उनको ये सजेशन दिया जा रहा है कि आप टीवी देखिए, टीवी पे बीमारी के संबंध में पूर्ण रूप से जानकारी दी जा रही है और उस हिसाब से अति आवश्यक हो तो ही रोड पे निकले, नहीं तो कहीं से कहीं तक निकले नहीं, घर के अंदर ही रहें। गौरतलब है कि चीन के वुहान शहर से आए कोरोना महामारी ने अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे अभी तक हजारों लोग असमय ही मौत के एक काल में समा गए हैं। वहीं भारत में दिनों दिन कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। खबर मध्य प्रदेश के लिए घोड़ा डोंगरी से राजेश प्रजापति की रिपोर्ट।